हे दोस्तों, फिलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बीपीयूटी के पास, यानी बीपीयूटी के जो सामने जो गेट है अभिज्ञान चौक, उसके पास खड़ा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, और लेडीज़ जो हैं यहाँ पे वो इंडियन फ्लैग, यहाँ पे देश का झंडा पकड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बस आने वाली है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दिन में मतलब 4-5 बजे से यहाँ पे खड़े हुए थे, और यहाँ पे शायद ये गाड़ी आ रही है। कुछ कार्स वगैरह हैं जो सिक्योरिटी के लिए हैं, उसके बाद बस जो है वो हमारे प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये वाली बस है, और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लोज लुक भी दिखाऊंगा आपको। कुछ और एंगल से मैंने वीडियो लिया हुआ है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे एक्चुअली ये पता नहीं था, कहीं से मुझे थोड़ी सी हिंट मिली कि आज वो लगाने वाले हैं। ये वाला देखिए, यहाँ से इस तरफ के एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है काफ़ी सिक्योरिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, कुछ कार्स ही हैं पुलिस के, और यहाँ पे सब लोग उन्हें वेव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये वाला जो है, ये है आपका स्पेस चौक, यानी सेक्टर 14 का स्पेस चौक जो है, वहाँ से भी एक बस यहाँ पे क्रॉस किया था। ये शायद जूनियर टीम का है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अंदर वैसे थोड़ी दिखाई दे रहा है यार, कौन है कौन नहीं पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बढ़िया है। काफ़ी लोग, मतलब सब लोग यहाँ पे उत्साहित हैं, सब लोग यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड हैं, सब लोग यहाँ पे काफ़ी वेट कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप का। सो स्टेडियम में मैं बाद में पहुँचा, और यहाँ पे अंदर जूम करके मैंने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अंदर जाने को मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं यार, बहुत से लोग यहाँ पे बाहर ही खड़े हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे मैच चल रहा है, शायद प्रैक्टिस मैच कर अंदर चल रहा है अभी, पब्लिक को वहाँ पे अलाउड नहीं है। जो भी सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस है, और मैनेजमेंट के लोग हैं जिनके पास पास है, वही बस अंदर जा पा रहे हैं। बहुत से लोग बाहर ही यहाँ पे देखिए वेट कर रहे हैं कि शायद अंदर जाने को मौका मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पे निराश होकर वापस भी लौट जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखिए गेट के पास भी खड़े हैं, उन्हें अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। सो आप मुझे बताइए कि आपने टिकट परचेज कर लिया है या नहीं। ये वाला जो रोड है ना, ये एयरपोर्ट का रोड है, और ये अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लाइटिंग वगैरह भी लग चुकी है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा था तो मैंने सोचा आपको यहाँ का भी एक व्यू दिखा दूँ। एंड ये है वो पार्क जो कि बनाया गया है एयरपोर्ट के पीछे, और उड़ीसा जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये भी अच्छी तरह से लग चुका है। सो बहुत कम टाइम बचा है यहाँ पे, कुछ 15-17 दिन बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से राउरकेला को सजाया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में अपडेट देने की कि क्या क्या और प्रिपरेशन चल रहा है, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, और स्टेडियम भी अभी तक पूरी तरह से 100% बना नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।